नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन संस्थान परीक्षा प्लस में। मैं आलोक शुक्ला और आज आपके लिए आपका मोस्ट डिमांडिंग वीडियो एनवीएस जीएससी के लिए देखा जाए तो एक जो स्ट्रेटजी सेशन है, कैसे करें तैयारी, जो तमाम आपके दिमाग में क्वेश्चन उठते रहते हैं कि आखिर सर हमें तैयारी करना है तो इस बार का कट ऑफ क्या हो सकता है, सेफ स्कोर क्या हो सकता है, आखिर जो हम पढ़े वो क्या कोचिंग ले लें या फिर सेल्फ स्टडी से काम बन सकता है, किताबें कौन सी होनी चाहिए, पीडीएफ क्या होना चाहिए, टेस्ट कौन सा लगाना है, कब से लगाना है, कितने घंटे की पढ़ाई करें, तमाम जो क्वेश्चन है उन सब का जवाब आपको अगले 7-8 मिनट में मिलने वाला है। अगर आप चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर अवश्य कर दीजिएगा, लेकिन अंत तक वीडियो अवश्य देखिएगा क्योंकि आपको सारे प्रॉब्लम जितने भी आपके दिमाग में क्वेश्चन है सबका जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। इसके बाद आपको कोई भी वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो ये आपका देखे तो आपने देखा होगा कि इस स्ट्रेटेजी से जिससे हुए हजारों सिलेक्शन, बिल्कुल सही आपने इसे देखा कि एनवीएस और ईएमआरएस की बात किया जाए तो परीक्षा पर हमेशा नंबर एक रहता है। और मैं उसी उम्मीद के साथ इस बार भी आपको हजारों सिलेक्शन कराने के लिए मात्र 699 में टीम परीक्षा प्लस ने आपके लिए एनवीएस जीएससी का बैच यहां पे उतार दी है। और बैच उतारने से पहले मैं आपको पहले आभार प्रकट करना चाहूंगा उन बच्चों के जो पुराने बच्चे हैं और लगातार देखा जाए तो हजारों की संख्या में अभी भी एडमिशन वो ले चुके हैं। और ये बहुत बड़ी बात होती है कि आप किस प्रकार से ट्रस्ट करते हो टीम पे, जो पुराने बच्चे होते हैं यकीनन मैं आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं इस बात के लिए, उस ट्रस्ट के लिए, उस अटूट विश्वास के लिए। इसमें आपको जो नए बच्चे हैं वो देख लीजिए, लाइव क्लासेस प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेगी, सारे स्टडी मटेरियल मिलेंगे जो आपको ये बुक के फॉर्म में होते हैं, जो आपकी क्लास की पीडीएफ होती है वो तो दी ही जाती है आपको, छोटे छोटे पीडीएफ तो दिए ही जाते हैं आपको, उसके साथ ई बुक के फॉर्म में, पीडीएफ के फॉर्म में बुकलेट दी जाती है जिसे आप डाउनलोड करा सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो, प्रिंट कर सकते हो और किताबों के फॉर्म में से पढ़ सकते हो मात्र 699 में। इसके साथ आपको भरपूर गाइडेंस तो मिलता ही मिलता है, वैलिडिटी एग्जाम की डेट होती है, जो छोटे मोटे सेक्शनल टेस्ट होते हैं, टॉपिक टेस्ट होते हैं वो तो आपको मिलते ही है। मेन आते हैं जो हमारा मुद्दा था कि आखिर हम तैयारी कैसे करें। ये तो बात की बात है कि ठीक है आपको जहां से तैयारी करना है वहां से करिएगा। मैं सबसे पहले जो मेरा मेन मोटो है कि जब आप किसी चीज की तैयारी स्टार्ट करते हो तो वो तैयारी जो आपके चल रही है वो तैयारी, आप सबसे बड़ी बात है कि आप लक्ष्य क्या रख रहे हो, वो तैयारी के दरमियान आपका एम क्या होगा, आपका टारगेट क्या होगा। और ये एम और टारगेट रखने से पहले हमें अपने पहले पास्ट में देख लेना चाहिए कि पिछली बार का टारगेट बच्चों का क्या था। मैं आपको बता दूं कि टोटल 130 क्वेश्चन का पेपर होता है जिसमें एक पॉजिटिव होता है, 0.25 नेगेटिव होता है, एक क्वेश्चन एक नंबर का और 130 में से 79.5 लग रहा है कट ऑफ, बहुत कम था। बट यकीन मानो भैया कि अगर आप पेपर का लेवल देखोगे तो वाह, मतलब बोलते ना इट वॉज सो ऑसम, क्या बोल सकते हो कि बहुत ही मॉडरेट से टफ लेवल पे ये पेपर गया था। मैं ये तो नहीं बोलूंगा कि नहीं नहीं क्वेश्चन बहुत टफ थे, हाँ बट क्वेश्चन आसान भी नहीं थे। और सबसे बड़ी बात है कि मैथ्स में भी पैसेज पूछना, जीएस में भी पैसेज पूछना, उसके बाद देखा जाए तो इंग्लिश और हिंदी में तो पैसेज हमेशा पूछा ही जाता है, फिर अगर कंप्यूटर में भी पैसेज आपको मिल जाए, अगर आपको रीजनिंग में भी पैसेज मिल जाए तो लगता है कि पेपर में पैसेज ही पैसेज भरा है। वो बड़े बड़े पैराग्राफ देख के ऐसा लगता है कि पहले ही हमें क्या हो जाए कि पहले ही हमें वो उबाऊपन जो होता है पैसेज देखने के बाद वो आ जाता है जिससे लगातार बच्चों के स्कोर कम होते हैं। बट फिर भी 130 में अगर 80 क्वेश्चन देखा जाए, 80 नंबर देखा जाए, ये नॉर्मलाइज स्कोर है क्योंकि जो टॉपर था मुझे जहां तक ध्यान है 133.33, ये आपके सामने लिस्ट भी है, ऐसा नहीं है कि कोई बात, तो ये आप देख सकते हो, ये एनबीएस 2022 का है, 15-21 जनवरी 2022। और इसमें अगर आप देखोगे तो टोटल पिछली बार वैकेंसी 622 पद थी टोटल, अगर जेएनवी और एनबीएस कैडर दोनों देखा जाए। और जो पहला बच्चा सिलेक्टेड था, जो टॉपर था, वो भी एससी कैटेगरी का था, वो जनरल कैटेगरी में लिया था और 133.903 नंबर था, मतलब आप समझ सकते हो 130 में 133 नंबर, ये नॉर्मलाइज स्कोर था। ऐसे 133.93 ये भी कौन सा बच्चा था, नरेंद्र गुर्जर, ये सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके स्कोर आप देख सकते हो कितना बेहतरीन स्कोर है। हालांकि थर्ड टॉपर जो था वो 124.26 पे आया था। और अगर ऐसे सबसे लास्ट पे जाओगे, लगभग जो 254 वैकेंसी अनरिजर्व की थी वहां पे जाओगे तो आपको यही कट ऑफ मिलेगा जो मैं आपको दिखा रहा हूं, वो कट ऑफ आपका कौन सा होगा, 79.5। ऐसे ओबीसी में 75, एडब्ल्यूएस में इतना, एससी में इतना और एसटी में, ये कट ऑफ पिछली बार का था। तो अगर ये कट ऑफ पिछली बार का था, वो भी 130 में, वो भी पेपर का लेवल बहुत टफ था, और 2022 में, तो ये नहीं बोलूंगा कि आज से बहुत पहले वर्षों की बात है, बट 2024 चल रहा है, दो साल पहले की बात है, देखा जाए तो लगभग लगभग, मैं ये नहीं बोलूंगा कि 20-20 बराबर, बट 19-20 कॉम्पिटिशन लगभग यही था, लगभग उतने ही बच्चे पिछली बार भी अप्लाई किए थे, उतने ही बच्चे लगभग इतनी बार भी अप्लाई करेंगे, कॉम्पिटिशन वही रहेगा। अगर पेपर का लेवल वैसे ही रह गया तो ये मान के चलिए कि इस बार थोड़ा सा कट ऑफ इससे बढ़ के आप
ये मान के चलो कि 85 प्लस के आसपास रहेगा 130। लेकिन अगर पेपर का पैटर्न नीचे आया तो ईएमआरएस गवाह है, केवीएस गवाह है कि जेएससी का कभी भी कट ऑफ कम नहीं रहता, क्योंकि इसमें एसएससी के भी बच्चे बैठते हैं, इसमें सिविल के भी बच्चे बैठते हैं, इसमें जो अन्य एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हैं रेलवे के बच्चे होते हैं, जिनका मैथ भी स्ट्रांग है, रीजनिंग भी स्ट्रांग है, इंग्लिश भी स्ट्रांग है, जीए भी स्ट्रांग है, सब कुछ जिनका स्ट्रांग है वो बच्चे कॉम्पिटिशन दे रहे होते हैं और पदों की संख्या कम होती है, एसएससी और बैंक और बाकियों की तरह हजारों में नहीं होती। इस कारण से यहाँ पे कट ऑफ काफी तेजी से बूस्ट करती है वो ईएमआरएस, केवीएस और एनबीएस लगातार कॉन्सिक्यूटिव ईयर 2021 में एनबीएस की बात किया जाए, 21-22 में, 22-23 में अगर केवीएस की बात किया जाए, 23-24 में अगर ईएमआरएस की बात किया जाए, फिर से 24-25 में हम किसकी एनबीएस की बात करेंगे, तो कॉन्सिक्यूटिव ईयर में ऐसे जो रेसिडेंशियल स्कूल्स हैं उनमें कट ऑफ आसमान को छुआ है, तो इस बार भी कट ऑफ आसमान छुएगा अगर पेपर नॉर्मल आया तो। पेपर अगर पिछली बार जैसे पूछा था वैसे ही पेपर आएगा तब 85 है, अगर पेपर नॉर्मल आ गया जैसे बाकियों में आते हैं तो ये कट ऑफ फिर 95 प्लस जाने में कोई नहीं रोक पाएगा 130 में। ये डैम गारंटी है जो मैं आपको बोल रहा हूं और यही हकीकत है, यही सत्य है, ये आपके ऊपर है कि मेरी बात मान के तैयारी उस लेवल पे करो या मेरी बात ना मान के मुझे बेवकूफ बना के और खुद बेवकूफ बन के आप तैयारी मत करो और फिर सिलेक्शन से बाहर हो जाओ। यकीन मानो कि भाई अगर टोटल वैकेंसीज देखा जाए तो वैकेंसी अभी भी कोई बहुत ज्यादा नहीं है, पिछली बार की आधी वैकेंसी है, 21 और 360 पद हैं इसमें, और ऐसा नहीं है कि कोई ना कोई बच्चा तो इसमें सिलेक्शन लेगा। आप कई बार सोचते हो कि वैकेंसी तो कम है हम फॉर्म ही नहीं भरेंगे, फिर आपसे ज्यादा हारा हुआ कोई है ही नहीं इस दुनिया में। अगर आप इससे देख के घबराते हो तो फिर आप ये मतलब सोचो कि जो इसमें सिलेक्शन ले लिया वो तो किसी में भी ले लेगा, और जो इसके लिए भगता है फिर वो भगता ही रहता है, उसके लिए 1,000, 10,000, 20,000, 50,000 वैकेंसी भी दे दी जाएगी तो भी वो कोई ना कोई बहाना ढूंढ लेगा, अपना एक्सक्यूज ढूंढ लेगा, अपनी असफलता का कोई बहाना ढूंढ लेगा। तो वो आप पे डिपेंड करता है कि वो आपका एटीट्यूड कैसा है। सिलेक्शन लेने वाला बच्चे का एटीट्यूड बहुत स्ट्रांग होता है, मेंटली बहुत स्ट्रांग होता है। अगर आप उस काबिल बनने को हो, अगर आप सिलेक्शन लेना चाह रहे हो तो आपको उस काबिल बनना पड़ेगा, क्योंकि फिर से बच्चा सिलेक्शन लेगा। पिछली बार भी 130 में 133 नंबर लाया था, लोग बोलते हैं एसटी कैटेगरी के, एससी कैटेगरी के नंबर कम जाते हैं, फिर वो एसटी कैटेगरी का अनरिजर्व के भी ऊपर बैठा था, 133 नंबर लाया था, वो भी बच्चा था, वो भी पढ़ने वाला बच्चा था, कोई 10 साल 20 साल पहले की बात नहीं है, 2022 की बात है। तो क्लियर है कि आपको विजन अपना क्लियर होना चाहिए, मेरी बात आपको समझ में आनी चाहिए कि आपको खुद डिसाइड करना है कि आप उस काबिल हो कि नहीं हो। तो 360 में से बच्चे केवल 360 होंगे, फॉर्म इसके लिए आएंगे लगभग 3 लाख, 3 लाख में से बच्चे ये मान के चलो कि 2,99,700 बच्चे बाहर होंगे, मतलब 99.99% बच्चे बाहर होंगे। आपको डिसाइड करना है कि आपको 99.99% वाले में जाना है या 0.01% जो सिलेक्टेड बच्चे हैं उनकी कैटेगरी में आना है, ये आपको डिसाइड करना है। तो मैं चाहूंगा कि आप इस कैटेगरी में आओ, लेकिन इस कैटेगरी में आने के लिए आपको क्या करना है, आपको सिलेबस से जो है वो रूबरू होना है, आपको कट ऑफ से रूबरू होना है, आपको लक्ष्य अपना लंबा रखना है, आपको मेहनत बहुत करना है, कंटिन्यूटी बना के रखना है, डेडिकेशन बना के रखना है, और सबसे बड़ी बात है विल पावर। अगर आपकी इच्छा शक्ति नहीं है मैं आपसे बोलूंगा आप यही नहीं, आप कोई भी फॉर्म मत भरो, क्योंकि आप फिर कहीं भी सफल नहीं हो पाओगे। हो सकता है मेरी बातें आपकी बुरी लग रही हो बट सत्य है, और अगर आपको इच्छा शक्ति है तो वही एक बच्चा 10 एग्जाम को क्रैक करता है, 10 कॉल लेटर, 10 ज्वाइनिंग लेटर लेके रखता है और माँ बाप का सीना चौड़ा करता है कि पिताजी देख लीजिए मैं 10-10 कॉल लेटर, 10-10 ज्वाइनिंग लेटर रखा हूं, अब आप बताइए मैं कौन से ज्वाइनिंग लूं, कहां पे जाऊं कहां पे ना जाऊं। ये वो बच्चा जो काबिल बच्चा होता है उसकी कहानी होती है। तो अगर आपके पास रणनीति अच्छी है, कैसे पहुंचते हैं बच्चे भाई, ऐसे बच्चे पहुंचते हैं जिनके पास रणनीति बहुत बेहतरीन होती है, जिनके पास रिसोर्सेज बहुत अच्छे होते हैं, जिनके पास किताबें बहुत अच्छी होती हैं, जिनको गाइडेंस बहुत अच्छा मिलता है, जो अपने सीनियर के टीचर के रेगुलर टच में रहते हैं, जिनकी विल पावर बहुत अच्छी, जो मेहनती होते हैं, जो दिन को दिन नहीं और रात को रात नहीं समझते, वो बच्चे क्या होते हैं, सेलेक्ट होते हैं, और आपको भी वैसे ही सेलेक्ट होना पड़ेगा। अब आते हैं बात में टारगेट, जैसे बता दिया अगर वैसे पेपर 85 और नहीं तो 95 प्लस, ये टारगेट आपको रखना है। सिलेबस वैसे एनबीएस क्या करता है, डिस्क्लोज नहीं करता, बट ईएमआरएस ने पिछली बार क्या किया था, सिलेबस डिस्क्लोज किया था, तो ये ईएमआरएस का सिलेबस है, आप इसे गो थ्रू हो सकते हो, क्योंकि संधि से क्वेश्चन इसमें भी है, समास से इसमें भी है, विलोम, पर्यायवाची, सामान्य शुद्धियां, वाक्यांशों के लिए शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियां, अपठित गद्यांश, यही सारे क्वेश्चन आपके एनबीएस में पूछे गए हैं। जनरल नॉलेज, करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछे गए हैं। उसके बाद देखा जाए क्वांट में भी रेशियो, प्रोपोर्शन, टाइम एंड वर्क, प्रॉफिट लॉस, प्रॉब्लम ऑन एजेस, यहां पे डेसिमल, फ्रैक्शन, टाइम एंड, एससीएफ, एलसीएम, परसेंटेज,
टॉपिक तो आपके सारे वही हैं, रीजनिंग में भी वही है, जनरल इंग्लिश में भी बात किया जाए और कंप्यूटर में भी बात किया जाए तो टॉपिक वही है, बट पूछे जाने का जो तरीका है वो बहुत बेहतरीन है। गुट वाले क्वेश्चन है, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है, दो स्टेटमेंट सही, तीन स्टेटमेंट सही वाले क्वेश्चन है, पैराग्राफ वाले क्वेश्चन है, आप एनबीएस लैब अटेंडेंट का देख लो या जेएससी का देख लो, दोनों में ही क्वेश्चन लेवल आपको बहुत बेहतरीन मिलेंगे। वहां पे लगता है कि ईएमआरएस एनबीएस में अंतर है, लेकिन ये तब की बात है जब ईएमआरएस ने अपना सिलेबस डिस्क्लोज नहीं किया था, क्योंकि ईएमआरएस का भी पेपर वही एजेंसी बनाएगी, एनबीएस का भी पेपर वही एजेंसी बनाएगी। एनबीएस और ईएमआरएस दोनों रेसिडेंशियल स्कूल है, दोनों एक ही कैटेगरी के हैं, दोनों सब कुछ सेम है, पैटर्न सेम है, सिलेबस सेम है, सब कुछ सेम है, तो हो सकता है कि इस बार एनबीएस का भी पेपर, या तो दो चीजें होंगी, या तो एनबीएस भी ईएमआरएस की तरफ जाएगा या ईएमआरएस एनबीएस की तरफ जाएगा, दोनों में से क्या होगा अब ये तो वक्त बताएगा। इसलिए हमें अपनी तैयारी ईएमआरएस और एनबीएस दोनों को ध्यान में रखते हुए करनी है, तो ये दिमाग में रखिएगा। आप अगर पैटर्न देखोगे तो पैटर्न इसमें रीजनिंग आपका 20 क्वेश्चन, पॉइंट आपका 20 क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस 30 क्वेश्चन, लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी आपका 30 क्वेश्चन, जिसमें 15 आपका इंग्लिश और 15 आपका क्या होता है, 15 आपका इंग्लिश पूछेगा और 15 आपका हिंदी पूछेगा। उसके बाद बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशन, ये भी 30 क्वेश्चन पूछेगा, टोटल 130 क्वेश्चन, 130 मिनट का ये पेपर आपका 2.5 घंटे का होगा और 1/4 आपका नेगेटिव होगा, ये आपको दिमाग में रखना है। अब आपको सिलेक्शन लेना है, तो भाई जब मैं आपको बोलता हूं कि ऐसे पेपर जिसमें कट ऑफ 80-85% के आसपास जाती है, तो वहां पे आप कोई भी सब्जेक्ट छोड़ नहीं सकते हो, आप हर सब्जेक्ट में एक्सलेंस। मैं इसमें ये नहीं कह सकता कि नहीं नहीं आप कंप्यूटर ज्यादा अच्छा पढ़ लो, आप लैंग्वेज में कम उठाओ, मैं नहीं कह सकता कि आप रीजनिंग अच्छा कर लो, मैथ कम करो, आपको बस मैं ये बोलूंगा कि जो बेस्ट हो सकता है, जो मैक्सिमम हो सकता है, वो स्कोर करने का प्रयास करो, क्योंकि अगर हर सेक्शन में दो दो नंबर कम करोगे तो आप कट ऑफ के नीचे आ जाओगे। 5 सेक्शन है, अगर 10 क्वेश्चन नीचे आ जाओगे, अगर 20 यहां पे 20 क्वेश्चन नीचे आ जाओगे, तो आप कट ऑफ की क्या हो जाओगे, बाहर हो जाओगे, क्योंकि कट ऑफ 95 से 105 के बीच में कुछ भी वेरी कर सकता है, और ईएमआरएस में देखा गया था। हालांकि पेपर कठिन आता है, तो जाहिर सी बात है एक एक सेक्शन में 3-3, 4-4 क्वेश्चन भी छूट जाएंगे, ऐसे 20 क्वेश्चन भी आप बाहर हो जाओगे, 30 क्वेश्चन भी आप बाहर हो जाओगे, तो ऐसे में फिर नेगेटिव मार्किंग भी है, तो फिर से बाहर हो जाओगे। इसलिए आप मैक्सिमम करने का प्रयास करो, हर सेक्शन, वो चाहे मैथ्स हो, चाहे कंप्यूटर हो, वो चाहे मेंटल एबिलिटी रीजनिंग हो, या फिर आपकी क्या बात हो, इंग्लिश और हिंदी, और आपका क्या हो, जीए हो। अब सबसे बड़ी बात है कि हम कहां से पढ़े, क्या पढ़े, कि हम सटीकता की तरफ चले जाएं, एक्यूरेसी हमारी मेंटेन हो जाए और जो हम पढ़े वही आ जाए। सबसे बड़ा क्वेश्चन भी यही होता है यार, आपकी जगह पे मैं भी होता, या मैं भी जब कभी तैयारी कर रहा था, मेरे दिमाग में होता था बस मुझे किताब कोई बता दो, मुझे किताब बता दो, मुझे ये बता दो कि कहां से कहां तक पूछा जा सकता है, मुझे ये बता दो कि इसका सिलेबस क्या है, मुझे ये बता दो कि एग्जाम किस डेट में है, मेरे पास समय कितना है। फिर आप देखो, मैं उस किताब को पढ़ के अगर उस किताब से कहीं भी आ गया तो एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ये मेरी सोच होती थी, और आपकी भी सोच मुझे पता है कि ऐसी होती है कि आपको बस कंटेंट मिल जाए तो आप कहते हो कि मैं तो मेहनत कर डालूंगा, लेकिन मुझे बस कंटेंट अच्छा मिल जाए, तो बेटा आप अपनी बातों पे रहना कि आप वो मेहनत कर डालोगे, मैं अपनी बातें पे हूं कि मैं आपको वो कंटेंट दे दूंगा। मेरा कंटेंट और आपकी मेहनत अगर दोनों मिल गए तो यकीन मानो कि सफलता कोई आपसे छीन नहीं सकता, आप प्रबल दावेदार होगे आप इस वैकेंसी के लिए और ऐसी तमाम वैकेंसीज के लिए जहां भी टीम परीक्षा प्लस आपके साथ है। तो ध्यान दीजिएगा कैसे करना है, एक बार आप पैटर्न देख लीजिए, हर पैटर्न से इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन है। अगर सीबीएसई बनाता है पेपर तो ये पैटर्न देखने की आवश्यकता नहीं है, जितना आपका सिलेबस में है वो सब कुछ आपका क्या है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा। बट मैंने इसके पैटर्न को आपको बता दिया कि इसके पैटर्न में एक खास बात यह है कि आपसे क्या है, आपसे पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन पूछता है एनबीएस। रही बात की आपकी तैयारी हम कैसे करवा सकते हैं, तो भाई मेरे साथ मेरी पूरी टीम है, मैं आपको मैथ्स पढ़ा रहा हूं, आशीष सर आपको रीजनिंग कंप्यूटर पढ़ा रहे हैं, रमन सर आपको जनरल अवेयरनेस पूरा पढ़ा रहे हैं, जनरल अवेयरनेस में इनकी मदद करेंगे नवीन सर साइंस और ज्योग्राफी के साथ, फहीम सर यहाँ पे शायद कॉपी पेस्ट हो गया है, तो यहाँ पे फहीम सर आपको क्या पढ़ाएंगे, फहीम सर आपको हिस्ट्री पढ़ाएंगे और हिस्ट्री के साथ साथ अन्य ऐसे जो सोशल कल्चर और स्टैटिक विषय है उनको पढ़ाएंगे। ऐसे ही अगर बात किया जाए, सर्वेश सर आपको इंग्लिश पढ़ाएंगे और अरुण सर बहुत ही अनुभवी अध्यापक आपको क्या पढ़ाएंगे, हिंदी पढ़ाएंगे। तो ये पूरी टीम आपके पूरे सिलेबस को कंप्लीट करती है और मैं सारी टीम मिलकर आपसे वादा करता हूं कि हम लोग प्रत्येक टीचर प्रत्येक विषय में आपको 1% भी नीचे नहीं जाने देंगे, हर वो चीज पढ़ाएंगे जो आपकी परीक्षा में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पूछा जाना है। मैं आपको आश्वासित करता हूं, मैं आपको एश्योर कराता हूं कि जितना आप पढ़ लोगे आपका उससे बाहर कहीं भी नहीं रहेगा। आपका प्रश्न भी यही रहता है कि क्या सर मैं इतना पढ़ लूं तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, मैं बोलता हूं हां बेटा, लेकिन उसका कंडीशन यह है
कि आपको कॉन्टिन्यूटी बना के मल्टीपल टाइम बिना भटकाव के, और जितना हमारे टीचर मैं आपसे बोलता हूं उतना अगर आप फॉलो कर लोगे तो मैं आपसे वादा करता हूं कि आपका सिलेक्शन कोई रोक नहीं पाएगा। अगर आप हमारे टेस्ट में नंबर ले आए तो आप वहां पे जो आपका ओरिजिनल टेस्ट होगा वहां पे आपको नंबर लाने से कोई नहीं रोक पाएगा, इस बात को मैं आपका आशा दिलाता हूं। ये रहा आपके वो सफलता का टाइम टेबल, जो क्लासेस चल रही है 12 बजे ये सैटरडे संडे को क्लास चलती है, बाकी 2 बजे 3 बजे 4 बजे 5 बजे और सुबह 9:30 बजे वो कैप सेक्शन आपकी क्लास चलती है, और ये बहुत बेहतरीन है जिसमें मैथ भी है, जिसमें इंग्लिश भी है, जिसमें कंप्यूटर भी है, रीजनिंग भी है, हिंदी भी है, बीच बीच में टेस्ट भी है, वो कैप भी है और जनरल अवेयरनेस भी है, सब कुछ आपको यहाँ पे कवर कराया जाएगा। जनरल अवेयरनेस में ईएमआरएस और मैं अगर एनवीएस को थोड़ा सा कंपेयर करूं तो ईएमआरएस में एजुकेशन इंफेसिस पे क्वेश्चन पूछता है और एनवीएस में ये जनरल पूछता है, हिस्ट्री से भी, ज्योग्राफी से भी, पॉलिटिक्स से भी, इकोनॉमिक्स से भी, सेंसस से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, साइंस से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, मतलब ओवरऑल जीएस पूछा जाएगा। तो थोड़ा सा एनवीएस ईएमआरएस से मैं कठिन बोलूंगा, बट आप अगर अच्छी मेहनत कर ले जाएंगे तो आपका सिलेक्शन भी हो जाएगा, इस बात की भी गारंटी करता हूं। बाकी अगर कोई बच्चा जुड़ना चाहता है, उसका दिमाग में आता है सर कैसे इस बैच से जुड़े, तो आप परीक्षा प्लस ऐप डाउनलोड कर लो, ये आपका परीक्षा प्लस ऐप है। यहां पे जब आप जाएंगे तो आपको कुछ इस प्रकार से दिखेगा, पेड कोर्सेज पे क्लिक करेंगे तो आपको तमाम आएंगे, आप गवर्नमेंट एग्जाम सेक्शन में जाएंगे, यहां पे आप देखेंगे तो यहां पे आएगा ऐसे गवर्नमेंट एग्जाम, ये देखिए गवर्नमेंट एग्जाम पे क्लिक करेंगे तो यहां पे एनवीएस जेएससी एनवीएस ऐसे ईपीएफओ एनवीएस आपका लैब अटेंडेंट दिखाई देगा, जेएससी पे आपको यहां पे बाय नाउ का ऑप्शन आएगा, जब आप बाय नाउ पे क्लिक करेंगे तो आप यहां पे आ जाएंगे, परचेस करने के बाद आपका कुछ ऐसा दिखाई देगा, लाइव का सेक्शन, टेस्ट का सेक्शन, रिकॉर्डेड का सेक्शन, टेलीग्राम ये लिंक जो आप ग्रुप से जोड़ोगे, आपके जो डाउट्स हैं वो आप पूछ सकते हो, ऐसे तमाम सेक्शन होंगे। लाइव सेक्शन में जो क्लासेस लाइव होंगी, शेड्यूल होंगी वो दिखेंगी, रिकॉर्डेड में जो क्लासेस लाइव हो जाती है वही रिकॉर्डेड सेक्शन में आ जाती है, जैसे आप मैथ खोल के देख सकते हो, आप ज्योग्राफी हिस्ट्री टाइम टेबल देख सकते हो, सारी चीजें देख सकते हो, आप कोई भी इसमें से चूज करोगे, जैसे आपने क्या किया, जैसे आपने पीडीएफ नोट्स पे क्लिक किया तो ये पीडीएफ नोट्स वाला सेक्शन है, इसमें सारे पीडीएफ लगे होंगे, इसमें कंप्यूटर का पीडीएफ है, हिंदी का पीडीएफ है, हिस्ट्री का पीडीएफ है, रीजनिंग है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, इंग्लिश है, ऐसे आप इस पे क्लिक करोगे तो फिर से आप क्या करोगे पीडीएफ सेक्शन में, जैसे ज्योग्राफी पे क्लिक किया तो यहाँ पे व्यू पीडीएफ आएगा, ये इंग्लिश मीडियम में भी है और ये हिंदी मीडियम में भी है, जैसे अगर मैं हिंदी मीडियम वाले पे क्लिक करता हूं तो भूगोल ओपन होकर आएगा और ये आपको ऐसे पीडीएफ आएगा, इसमें भी यहां पे एक बटन आती है, इस बटन पे आप क्लिक करोगे तो ये तीन आपके ऑप्शन आएंगे, पहले वाले पे क्लिक करोगे तो प्रिंट का ऑप्शन आएगा, यहां से आपके फोन में डाउनलोड हो जाएगा, आप इसे शेयर करके प्रिंट करा सकते हो, डाउनलोड ऑप्शन से आपके ऐप में डाउनलोड हो जाएगा, ओपन इन वेब में आपके क्या हो जाएगा आपके क्रोम में या वेब में ये ओपन हो जाएगा और इस प्रकार से आप इसे क्या कर सकते हो देख सकते हो। तो ये रही आपके पूरे सिलेक्शन की पूरी कहानी, किस प्रकार से आप किस प्रकार से अपने सिलेक्शन ले सकते हो, ये आपका रहा पूरा टाइम टेबल और ये रहा आपका बैच। तो देर मत करिए, परीक्षा प्लस ऐप की लिंक आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है या गूगल प्ले स्टोर पर जाकर परीक्षा प्लस ऐप सर्च कर सकते हैं, यही आपका जो लोगो है इसी लोगो को आप सर्च करके परीक्षा प्लस सर्च करके आप क्या करना है आपको बैच से जुड़ जाना है। बाकी आपको मैं गारंटी देता हूं, आपसे वादा करता हूं कि हां भाई मैं एक भी कमी नहीं छोड़ूंगा आपकी सफलता तक, लेकिन जाते जाते आपको भी मुझसे वादा करना पड़ेगा, हां सर जो आप कह रहे हैं मैं बिल्कुल करूंगा, आपकी कदम से कदम मिला के चलूंगा और आपको पूरा फॉलो करूंगा, अगर आप इतना कर लोगे तो आप सिलेक्शन आपसे कोई नहीं छीन सकता, इस बात को ध्यान दीजिएगा। मुझे बताओ प्रॉमिस कर लो कि नहीं, अगर प्रॉमिस कर लो जल्दी जल्दी मुझे कमेंट करके बताना, यस सर आई प्रॉमिस। फिर मिलते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, बहुत बहुत आभार।